हे गाइस व्हाट्सअप विथ एवरी वन वेलकम टू वन मोर न्यू इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली ऑन द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की वेर योर डाउट अवर सॉल्यूशन इज अवर मोटो जहां पे आपके कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है हम सॉल्व करते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद सो so दैट आप वो पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ जाओ ये हमारा इंपॉर्टेंट मोटो है तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग ने ऑलरेडी बुक कीपिंग क्या होता है अकाउंटेंसी क्या होता है अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसपे ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं अगर आप लोग उस वीडियो को मिस कर चुके हो तो पहले यहाँ पे आई बटन पे आप उस वीडियो को क्लिक कीजिए वो वीडियो जरूर देखिए उसके बाद ही आपको अकाउंटिंग टर्म समझने में इजी रहेगा हम अकाउंटिंग टर्म्स के दो या तीन पार्ट के सीरीज बनाएंगे जहां पे हम लोग एक वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स या अकाउंटिंग टर्म से कवर अप करेंगे बिकॉज बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है तो मैं हमेशा शॉर्ट सिंपल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं कुछ पॉइंट्स कवर अप करूंगा हर एक वीडियो के अंदर तो इसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हां बेल आइकन को क्लिक करना बोलना मत क्योंकि कभी भी हम लोग जब नोट वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो अपलोड का और आप अच्छे से समझ जाओ वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स एंड तो जैसे कि हम लोग ने बोला आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कवर अप करेंगे तो पार्ट वन ऑफ द अकाउंटिंग टर्म के जो सीरीज है उसमें सिर्फ हम लोग ये बारह पॉइंट्स कवर अप करेंगे स्टार्टिंग विथ एंटिटी ट्रांजेक्शन गुड्स अकाउंट्स कैपिटल ड्राॅइंग एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉस असेट्स एंड लायाबिलिटीज बाकी के और भी टर्म्स है जो हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज पार्ट टू बनाएंगे तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो और एंड में यस yes, इन सारे चीजों को एक बार रिवाइज भी करके आपको बता देंगे तो चलिए देखते हैं एक एक करके वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं पहला अकाउंटिंग टर्म्स है एंटिटी एंटिटी का सिंपल मीनिंग होता है बिजनेस जैसे कि हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे शॉप्स रहते हैं बहुत सारे रिटेल शॉप्स है बहुत सारी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में तो हर एक दुकान हर एक रिटेल शॉप हरेक कंपनी इन एन अकाउंटिंग टर्म इज कॉल्ड एज एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज एन एंटिटी। जब हम लोग रिलायंस कंपनी बोलते हैं, तो रिलायंस इज एन एंटिटी। जब हम लोग टाटा कंपनी बोलते हैं तो टाटा कैन बी रिगार्डेड एज एंटिटी। सिंपल मीनिंग है जो भी बिजनेस करता है उसको अकाउंटिंग टर्म में हम लोग बोलते हैं एंटिटी टर्म टू जो है वो है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं जैसे कि मैंने बता दिया है फिर से मैं आपको रिवाइज आउट करवा देता हूं एनी बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू पार्टीज और डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज विथ मनी और मनी वर्थ इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन मतलब दो लोगों के बीच में जब भी कोई लेन देन होती है बाइंग सेलिंग होता है या डीलिंग होती है फाइनेंशियल डीलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड आउट कर सकते हैं वन इज कॉल्ड एस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहां पे पैसे इन्वॉल्व है रुपीज इन्वॉल्व है कैश इन्वॉल्व है करेंसी इन्वॉल्व है एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एस नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहां पे आप वैल्यू या मनी इन्वॉल्व नहीं करते बट यू एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स एंड दैट इज कॉल्ड एज बाटर ट्रांजेक्शन पुराने जमाने में जैसे होहा करते थे गुड्स विद गुड्स एक्सचेंज करने को दैट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मॉनिटरी कैन बी क्लासिफाइड एज कैश ट्रांजेक्शन जहां पे कैश रिसीव्ड या तो फिर कैश पे होता है ट्रांजेक्शन के अंदर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ही आप कैश पे करते हो या कैश रिसीव करते हो दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजेक्शन और मॉनिटरी के अंदर दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहां पे ट्रांजेक्शन तो हो रहा है बट आपका कैश रिसीव्ड या कैश पे ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है जैसे इफ यू आर सेलिंग द गुड्स टू योर नोन रिलेटिव बट वो पेमेंट नहीं कर रहा है आपको देन दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो है वो है गुड्स गुड्स इज जनरली एनी आइटम प्रोडक्ट और मटेरियल इन विच बिजनेस डील्स टू अर्न प्रॉफिट आप कोई भी चीज जब आप बेचते हो सेल करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए तब हम लोग उस चीज को आइटम प्रोडक्ट या मटेरियल को बोलते हैं गुड्स जैसे मेडिकल शॉप वाला मेडिसिन जब बेचता है तो प्रॉफिट कमाता है तो मेडिसिन इज अवर गुड्स क्लॉथ मर्चेंट जीन्स टी शर्ट्स शर्ट बेचता है टू अर्न प्रॉफिट बिकॉज उनका डीलिंग उसी में है वही प्रोडक्ट हमेशा बेचा करते है रेगुलर बेचा करते देन शर्ट टी शर्ट एंड जीन्स फॉर द क्लॉथ मर्चेंट वुड बी कॉल लेस गुड्स किरियाना की दुकान में या जनरल स्टोर में जो ओनर है वो रेगुलरली बिस्किट्स मैगी पार्लेजी बालाजी वेफर्स बेचा करते है रेगुलर बेचा करते हैं उसमें ही वो लोग डीलिंग करते हैं उसका ही वो बिजनेस है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स तो जो फोर्थ टर्म है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है अकाउंट्स अकाउंट्स जनरली इट इज हेड अंडर विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड जब भी ट्रांजेक्शंस होते हैं जब भी पैसों में डीलिंग होती है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ जा, किया करते हैं तब हर एक ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक हेड के अंदर रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो होगा सैलरी अकाउंट के अंदर एंड ऑन द स्पॉट आप कैश पेमेंट में सैलरी कर रहे हो तो आपका दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट तो वैसे ही सिमिलर जब आप लाइट बिल पे करते हो तो एक अकाउंट का हेड होगा लाइट बिल अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट होगा कैश या बैंक अकाउंट वैसे ही सिमिलर परचेज ऑफ मशीनरी तो एक अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट दूसरा होगा आपका कैश या बैंक अकाउंट तो वैसे हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं दैट पर्टिकुलर हेड आर कॉल्ड एज अकाउंट तो जो फिफ्थ टर्म्स है हमारा दैट इज कैपिटल एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल यहां पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो भी पैसे आप बिजनेस के अंदर लगाते हो इन्वेस्ट करते हो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल यहाँ पे आप कैश तो इन्वेस्ट करते हो बट कभी कभार आप जो ओनर है वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस में लेके आता है बोथ द थिंग्स आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सिक्स टर्म है हमारा वो है ड्रॉइंग ड्रॉइंग इज नथिंग बट एनी कैश ऑफ गुड्स विदड्रॉ जब भी ओनर कैश गुड्स असेट्स विदड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग कभी कभार ओनर को पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे चाहिए रहते हैं या गुड्स चाहिए रहते हैं तो अगर वो अपने बिजनेस से ही विद्रॉ करता है देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एस ड्राॅइंग फॉर एग्जाम्पल जो स्टेशनरी शॉप ओनर है अगर उसको घर पे पेन की जरूरत है या पेंसिल की जरूरत है अफकोर्स वो अपने स्टेशनरी शॉप से ही पेन एंड पेंसिल लेके जाएगा तो जो पेन एंड पेंसिल की वैल्यू है जो गुड्स विदड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वो पर्सनल यूज कर रहे हैं देन देट वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा सेवेंथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंस एक्सपेंस इज जनरली रिमेंबर्ड एज अमाउंट स्पेंट और पेड बाय द बिजनेस जो भी अमाउंट बिजनेस या ओनर बिजनेस के लिए पे करता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से गुड्स खरीदते हो दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड वुड बी रिगार्डेड एज एक्सपेंस अगर आप लाइट बिल पे करते हो इफ यू आर पेइंग लाइट बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल देन दैट पर्टिकुलर बिल इज कॉल्ड एज एक्सपेंस अगर आप किसी को रेंट पे करते हो देन रेंट इज रिगार्डेज एज एक्सपेंस सो एनी अमाउंट पेड स्पेंट और यू कैन रिमेंबर एज अ कॉस्ट टू द बिजनेस इज वुड बी क्लासिफाई अंडर एक्सपेंस जो एट्थ पॉइंट है हमारा वो है इनकम इनकम का सिंपल मीनिंग है एनी रेवेन्यू अराइजिंग ड्यू टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिंपल वर्ड अब हिंदी में याद रख सकते हो बिजनेस की कमाई बिजनेस करने के टाइम आप गुड्स सोल्ड करते हो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं पे तो आपको जो कमाई होगी वो किससे होगी आइदर फ्रॉम गुड सोल्ड या आपने जो पैसे रखे हैं बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको डिविडेंड मिलेगा तो ये सारी चीजें बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिलेटेड है तो इनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे इनकम के अंदर जो नाइन्थ पॉइंट है हमारा वो है प्रॉफिट प्रॉफिट सिंपली आपने टेंथ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जहां पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वुड गिव यू प्रॉफिट तो यहां पे भी वही सेम फंडा है बट हम लोग टर्म अलग यूज कर रहे हैं जहां पे आपकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस देन यू वुड अर्न प्रॉफिट और जो पॉइंट नंबर टेन है वो प्रॉफिट का अपोजिट पॉइंट है जहां पे आप एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हो बट इनकम आपका कम है तब बिजनेस को जो सफर होगा जो नुकसान होगा उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं लॉस हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पॉइंट नंबर इलेवन वो है असेट्स असेट्स को सिंपल मीनिंग में याद रखो एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन बाय द बिजनेस जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस ओन करता है खुद का रहता है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं असेट्स एज एन अकाउंटिंग टर्म यहां पे अमाउंट रिसीवेबल, किसी से अगर आपको पैसे मिलने बाकी है उसको भी हम लोग असेट्स ही बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे तो असेट्स है अगर किसी से पैसे मिलना बाकी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा असेट्स हो जाएगा और जो लास्ट टर्म है आज के वीडियो का वो है लायबिलिटी लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग है जो बिजनेस अमाउंट पे करना चाहता है दैट इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस मैन टू एनी अदर पर्सन और पार्टी इज कॉल्ड एज लायबिलिटी वॉट इज और जो बिजनेस का बाकी है पे करना बाकी है इन फ्यूचर में पे करेगा और पेएबल अमाउंट है देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज टाइप ऑफ असेट्स एंड टाइप ऑफ लाइबिलिटीज और एक्सपेंस जो हमारा पहले पॉइंट पहले था उसपे हम लोग डिटेल बताएंगे कि असेट्स के क्या टाइप है लाइबिलिटीज के क्या टाइप है आगे वाले सीरीज में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज के कितने टाइप्स है उसके उसको आप याद कैसे रख सकते हो उस चीज के लिए आपको ये वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफकोर्स करना ही है आई होप मैंने आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर कर दिए हैं जो आपको डाउट था उस इस वीडियो के अंदर मैंने आप क्लियर किया है तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप ये अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करो और बेल आइकन क्लिक करना भूलना मत टिल देन टेक केयर हैव अ गुड डे